आज के इस लेक्चर में हम काइनेमेटिक्स में उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जहां पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन टाइम पे डिपेंड होते हैं। और किसी प्रॉब्लम में अगर आपको इस तरह की डिपेंडेंस दे रखी है तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, अब आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो वी नो वेरी वेल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। यहाँ से हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू यू, हमें वेलोसिटी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक पहुँचने के लिए वी विल यूज़ डिफरेंशिएशन। हम यहाँ पे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएशन इज रिक्वायर्ड। और इसके बाद अगर वेलोसिटी से फिर हमें एक्सेलेरेशन पकड़ना है तो एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, क्योंकि फिर हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे, इट विल बी एक्सेलेरेशन हियर। देन यहाँ से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी तक हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर वेलोसिटी से एक्सेलेरेशन तक, देन अगेन डिफरेंशिएशन इज रिक्वायर्ड, डिफरेंशिएशन इज टू बी डन फॉर द पर्पज। तो फिर आपने डिफरेंशिएट किया तो हम एक्सेलेरेशन तक पहुँच गए हैं। लेकिन किसी प्रॉब्लम में अगर रेसिप्रोकल सिस्टम होता है, रेसिप्रोकल आपको फंक्शन गिवन है, एक्स इज नॉट गिवन टू यू बट एक्सेलेरेशन इज गिवन टू यू, अब एक्सेलेरेशन से हमें फिर वेलोसिटी पे आना है, देन वी विल यूज हियर द इंटीग्रेशन। अगर वापस आते हैं तो फिर हमें फंक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहाँ पे बैक साइड फंक्शन के लिए वी हैव टू इंटीग्रेट इट, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ आते हैं देन वी हैव टू इंटीग्रेट, हम फंक्शन को फिर यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, वेलोसिटी चाहिए, हम डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी टू एक्सेलेरेशन अगेन डिफरेंशिएशन, बट बाय द वे द रिवर्स प्रोसेस इज हियर, एक्सेलेरेशन से हमें फिर वेलोसिटी चाहिए तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वेलोसिटी से फिर डिस्प्लेसमेंट चाहिए फिर हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेट मी डिस्कस सम एग्जांपल्स हियर। दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू, डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एस इज द डिस्प्लेसमेंट एस इज इन मीटर, ये आपको मेंशन कर रखा उसने, इट इज इन मीटर, एंड टाइम टी इज इन सेकेंड, ये यूनिट हमारे पास गिवन है। एस इज गिवन टू यू, तो आपको वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए वी नो वेरी वेल वेलोसिटी वी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी, एंड एस इज गिवन टू इट इज हियर 40 स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। लेट यू डिफरेंशिएट दिस थिंग, इट बिकम डी अपॉन डी टी ऑफ 40 स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 2t प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 3, सिंपलेस्ट वन। ये 4 आउटसाइड आ जाएगा, डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर एज इट बीइंग कांस्टेंट, प्लस 2 इज कांस्टेंट हियर, डी अपॉन डी टी ऑफ टी इज हियर, एंड प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी टी ऑफ 3 इज हियर। क्योंकि इसके साथ कोई फंक्शन नहीं है इसलिए हमने इसको एज सच रखा हुआ है। वी नो वेरी वेल डिफरेंशिएशन में एक बेसिक फॉर्मूला होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एस पावर एन, एंड इट कम्स आउट टू बी एन एक्स एस पावर एन माइनस 1। हम इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स एस पावर एन, इसमें जो पावर होती है पावर आउटसाइड आ जाएगा, और एक्सेस पावर पावर में से हम 1 को माइनस कर देंगे। फॉर इज ईयर इट इज ईयर द बोर्ड डी अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे, इट इज ईयर 2t2 माइनस 1। सिंपल हमने क्या किया, पावर बाहर आ जाएगा और पावर में 1 हम माइनस कर देंगे, प्लस 2, यहाँ टी का पावर 1 है तो कितना हो जाएगा 1, टी रेज पावर 1 माइनस 1, एंड इट इज ईयर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कॉन्स्टेंट 0, ये 3 इज कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन कॉन्स्टेंट होगा, इट इज ईयर 4 to the 8t 2 minus 1 प्लस 2, इट इज हियर टी रेज पावर 0, टी रेज पावर 0 ऑटोमेटिकली कम्स आउट टू वी 1, तो इट बिकम हियर 8t plus 2, इज द वेलोसिटी वी इज हियर। आपका प्रॉब्लम ये है कि हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करना है एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो देयर फोर वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कितना हो जाएगा, 8t 1 plus 2, दैट इज 8 plus 2, दैट कम्स आउट टू बी 10 meter per second। नाउ लेट यू कैलकुलेट द एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलेरेशन इज हियर ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। क्योंकि मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, देन वेलोसिटी टू एक्सेलेरेशन, अगर ये सेंस होगा तो इस सेंस में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो एक्सेलेरेशन को डी बाई डी टी, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम हियर, ये हमने फाइंड आउट कर रखा है, 80 plus 2 इज हियर, 80 plus 2, यहाँ पे इट कम्स आउट टू बी डी अपॉन डी टी ऑफ 8t प्लस डी अपॉन डी टी ऑफ 2 इज हियर। यहाँ पे सिंपली a इज इक्वल टू 8 बाहर आ जाएगा, dt 1 हो जाएगा, इट इज 8 plus 0, एंड a इज इक्वल टू 8 meter per second square। इस क्वेश्चन से इस जो हमने सॉल्व किया है, फाइंड आउट किया है, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ड्रॉ होती है कि यहाँ पे एक्सेलेरेशन इज कॉन्स्टेंट, इट मीन्स इट इज
यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। अगर इन प्रॉब्लम्स में अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी की बात पूछी गई है, लेट यू फाइंड आउट द इनिशियल वेलोसिटी, द इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए उस टाइम को हम जीरो मान लेते हैं। जब मोशन स्टार्ट होता है दैट टाइम इज जीरो, देन एट दैट टाइम द वेलोसिटी विल बी इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी इज गिवन टू यू, वी इज इक्वल टू आपके पास है 80 + 2, तो वी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, 0 + 2 एंड वी इज इक्वल टू 2, दिस वन इज द इनिशियल वेलोसिटी, यू इज इक्वल टू 2 m/s। अगर रिक्वायर्ड है तो हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, इज द प्रोसेस। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 3t² + 2t + 2 एंड इनिशियल वेलोसिटी इज 2 m/s एट t इज इक्वल टू 0, फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड। प्रॉब्लम में आपको एक कंडीशन और दे रखी है कि एट t इज इक्वल टू 0 द वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी को बोलते हैं, दिस वन इज 2 m/s एंड क्वेश्चन इज एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड फाइंड आउट द वेलोसिटी हियर, दिस बीइंग इनिशियल वेलोसिटी, दिस बीइंग इनिशियल वेलोसिटी यू, ये आपको गिवन है। जब t इज इक्वल टू 0 है इनिशियल वेलोसिटी 2 है, तो जब टाइम 2 सेकेंड हो जाएगा तब वेलोसिटी कितना होगा। यहां पे एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू एंड इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए एज यू नो वेरी वेल वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन होता है a इज इक्वल टू d/dt। अब यहां पे हमें एक्सेलरेशन गिवन है, वेलोसिटी निकालना है, तो जो बेसिक फंडामेंटल मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट गिवन है, देन वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, देन एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड, देन इट इज डिफरेंशिएशन, इट इज डिफरेंशिएशन अगर हम इधर चलते हैं। लेकिन अगर हम लेफ्ट वाइज चलते हैं, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड, देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इज हियर, देन इंटीग्रेशन इज हियर। तो यहां पे एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू और हमें वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, इट मींस हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक्सेलरेशन इज गिवन टू यू इन दिस प्रॉब्लम, वेलोसिटी इज टू बी कैलकुलेटेड, देयरफॉर डीवी विल बी इक्वल टू एडीटी इज द प्रोसेस। यहां पे आप ए फंक्शन आपको दे रखा है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए, डीवी इज इक्वल टू ए इज हियर 3t² + 2t + 2 इंटू डीटी इज हियर। इसको चेक करते हैं, ये आ जाएगा डीवी इज इक्वल टू 3t² dt + 2t dt एंड +2dt इज हियर। लेट यू इंटीग्रेट दिस वन, डीवी इज 3 इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ t² dt +2 इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ t dt +2 इज आउटसाइड, इंटीग्रेशन ऑफ dt। इनिशियल वेलोसिटी कितना है इसका, u है, इट इज 2 m/s। फाइनल फाइनल वेलोसिटी जो आपको कैलकुलेट करनी है, v हमें निकालना है, इट इज 2 to v, ये हमें कैलकुलेट करना है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। टाइम लिमिट कहाँ से है, व्हेन t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज 2, तो टाइम लिमिट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड, इट इज फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। यहाँ पे यू नो वेरी वेल हमें पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ t^n dt इज इक्वल टू t^n+1/n+1। ये कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, इसको यहाँ पर t² इज वी नो वेरी वेल t^n+1 2+1/2+1 फ्रॉम 0 to 2 +2 इज इट इज t^1 इज इट इज t^1+1/1+1 +2 dt is t is here, the limit is from 0 to 2 here, limit is from 0 to 2, well put। अब हम सिंपली इसको चेक करेंगे, लेकिन लेफ्ट साइड में देखते हैं, इट्स v here, dv इंटीग्रेशन इज v एंड इज फ्रॉम 2 टू v। अब यहाँ चेक करते हैं, इट इज here 3, इट बिकम t³/3 फ्रॉम 0 टू 2, ये लिमिट आपको गिवन है, +2 इज here, इट बिकम t²/2 फ्रॉम 0 टू 2, +2 इज here, दिस वन इज t फ्रॉम 0। अब यहां से ये वैल्यू हम पुट करते हैं तो हमारा आंसर कितना बनेगा, इट इज हियर, इट इज v फ्रॉम 2 टू v इज इक्वल टू, इट इज t³ इज फ्रॉम 0 टू 2 प्लस इट इज हियर t² फ्रॉम 0 टू 2 +2 एंड इट इज हियर t 0 टू 2 इज हियर। अब यहां पे हमारा जो मेथड होता है, सिंपली पहले आपने इस v को रिप्लेस किया, v माइनस 2 इज इक्वल टू t³, इट इज हियर 2³ - 0³³³ इज हियर प्लस इट इज हियर 2² - 0² +2 इट इज हियर 2 - 0। जो मेथड हमारा होता है इंटीग्रेशन का, उसको हमने अप्लाई कर दिया है, पहले अपर लिमिट को पुट करते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट को पुट करते हैं, सिर्फ इस फंक्शन में t में पुट करेंगे, क्यूब एज सच रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं, 2³, इट इज हियर 2^4 - 8, ये 0 हो जाएगा, 2^4 एंड +2 = 4 इज हियर। इसको चेक करते हैं, इट बिकम v माइनस 2 इज इक्वल टू
इट इज़ ईयर 16 एंड देयर फॉर वी इज इक्वल टू, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 18 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर. इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन टू यू टाइम टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3. आपको पूछा गया है कि फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट व्हेन द वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिकम्स जीरो. आपको ये बोला है कि डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू हाउ मच व्हेन वेलोसिटी वी इक्वल टू जीरो. इट मीन्स हमें वेलोसिटी वी कैलकुलेट करना पड़ेगा. आपको टाइम फंक्शन गिवन है टी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 3, हमें कम करेंगे देयरफॉर अंडर रूट एक्स इक्वल टू टी माइनस 3. टी इज इक्वल टू गिवन है आपको, आपने अंडर रूट एक्स कैलकुलेट कर दिया, यहाँ से अंडर रूट एक्स इक्वल टू दिस वन. आपको एक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड इट बिकम अंडर रूट एक्स इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 3 इट्स होल स्क्वायर. इट बिकम एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 एंड इज हेयर प्लस 9. तो ये हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लिया. नाउ वी कैन हैव द वेलोसिटी हियर, देयरफॉर वेलोसिटी को हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt. इट इज ए डी बाई dt. x आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया है टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं इट कम्स आउट टू बी डी अपॉन dt ऑफ टी स्क्वायर माइनस 6 डी अपॉन dt ऑफ t एंड प्लस डी अपॉन dt ऑफ 9. इसको चेक करते हैं इट बिकम 2t माइनस 6 इट इज 1 प्लस 0 यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू 2t माइनस 6. एज पर क्वेश्चन आपको गिवन है इफ वेलोसिटी 0 देयरफॉर 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 देयरफॉर 2t इज इक्वल टू 6. आपने सिंपली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है कि वेलोसिटी जब 0 होगा तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है. तो वेलोसिटी आपने 0 पुट कर दिया, वेलोसिटी का फंक्शन ये है, टी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लिया आपने, इट कम्स आउट टू बी 3 सेकंड. तो 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 9 वैल्यू पुट कर दीजिए 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 9 इट इज हियर 9 माइनस 18 प्लस 9 इट कम्स आउट टू बी 0. द डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू 0 इज द आंसर.